हेलो एवरीवन दिस इज डॉक्टर आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम आजाद मेडिकल कॉलेज आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम पूरा का पूरा चार चैप्टर कंप्लीट करेंगे वो भी एक घंटा बीस मिनट आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि जो डाइवर्सिटी यूनिट है जिसमें चार चैप्टर हैं लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लान किंगडम एनिमल किंगडम जो सबसे टफ लगता है उसे हम सिर्फ एक घंटा बीस मिनट में खत्म करने वाले हैं तो एक घंटा बीस मिनट मेरे साथ आप देने के लिए तैयार हैं तो ये सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा पहली बार इस सेशन में आए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन में ऑल सेट कर लिएगा ताकि आप एक भी क्लास मिस ना करें और सारे के सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं मैं एकेडमी अकेडमी हर दिन सुबह नौ बजे और शाम को आठ बजे टेस्ट कराता हूँ जो एन सी आर टी बेस्ड रहता है तो मेरे अकेडमी से भी आप जुड़ सकते हैं थैंक यू आज चैप्टर वन होगा जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कैसे होते हैं सो वॉट इज द लिविंग दैट इज अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ रिपोर्डक्शन एबिलिटी टू सेंस इन्वॉमेंट एंड सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आर माइंड इमिडिएटली एंड यूनिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस इज द सम ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबोलिज्म एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लीकेट मतलब अपने जैसा कोई और ऑर्गेनिज्म लेके आए सेल्फ ऑर्गेनाइज इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट इंट्रैक्ट विद द अदर ऑर्गेनिज्म एंड इमर्जेंस ऑफ दिस लिस्ट सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रो इवन द नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी ग्रो सो द ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो नॉन लिविंग में ना हो ठीक है तो ग्रोथ नॉन लिविंग में ही देखा जाता है जैसे रॉक्स धीरे 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 उसके ऊपर सैंड इकट्ठा होते होते, होते 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 बहुत बड़ा रॉक्स बन जाता है तो इंक्रीज इन अ मास इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल दे आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ इन प्लांट द ग्रोथ इज सेल डिजन अकर कंटिन्यूअस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन जब तक प्लांट मर नहीं जाता तब तक उसमें ग्रोथ चलता रहता है इसके पीछे कारण ये है दैट द मैरस्मेटिक सेल्स द मैरथमेटिक सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग एंड द एडिंग द न्यू सेल्स और उससे ग्रोथ तो देखा जाता है दिस ग्रोथ इन सीन ओनली अप टू द सर्टन एज माउंटेन बिल्डर्स सैंड कैन बी ग्रो बट ये नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग में भी ग्रोथ देखा जा रहा है सो हाउ एवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाई एक्मुलेशन ऑफ मटीरियल ऑन द सफिस द ग्रोथ इज कैन टेकन एज डिफिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म येस इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे बच्चों में ग्रो होकर बड़ा बच्चा बन जाता है है ना ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है बट डिफाइनिंग नहीं है रिपोडक्शन इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्मन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से कोई एक नया ऑर्गेनिज्म आ जाए सो दैट्स काइंड दैट्स एक्ट इज कॉल्ड रेपोडक्शन रेपोडक्शन के दो पार्ट होते हैं द सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल सेक्सुअल में दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं और मेल एंड फीमेल दे प्रोड्यूसर डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स एंड दिस गैमेट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ एंड जायट फर्दर डेवलप टू फॉर्म अ न्यू ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि छोटे छोटे सिंगल ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट करते हैं इसमें गैमेट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन नहीं होता है इसलिए ए सक्सल में जितनी भी चीजें होती हैं मॉटल होती हैं तो रिपोर्डक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनिक प्रोसेसिंग फीचर मोर देन लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स एंड देर आर मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस लाइक म्यूल स्टराइल वर्कर बी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल अब मान लीजिए कि शादी हुई किसी की एक साल हो गए दो साल हो गए और उनसे कोई नया ऑफिसिंग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है यानी बच्चा नहीं हो रहा है ऑल्दो दिस कपल आर लिविंग सारे लिविंग के करेक्टर उनके अंदर विद्यमान है फिर भी उनसे कोई नया बच्चा नहीं हो पा रहा है बिकॉज दे आर इनफर्टाइल कपल एंड दस इनफर्टिलिटी इज मतलब कि लिविंग होने के बावजूद भी इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब ही यही होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म से कोई नया ऑर्गेनिज्म आना सो so हेंपोडक्शन also cannot be the all exclusive defining characteristics of living organism now the metabolism aapke book mein to likha hai ki yes it is a now all the living organism are made up of chemicals we are chemically evolved evolution mein humne dekha bhi tha uh, और हमारे शरीर में जितने भी आ, uh, वो है आ, uh, जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी चलती रहती हैं कैमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं वो बाहर पॉसिबल नहीं है इसलिए मेटाबॉलिज्म को मान लेते हैं कि यस yes, इट्स अ डिफाइनिंग फ्यूचर बट अगर दो ऑप्शन आते हैं मेटाबॉलिज्म और कॉन्सियसनेस तो आप कॉन्सियसनेस को प्रायोरिटी uh, uh, देंगे कॉन्सियसनेस को आप सबसे पहले टिक करेंगे या इंटरेक्ट विद द इन्वॉयरमेंट इज आल्सो कॉल कॉन्सियसनेस तो उसको आप करेंगे क्योंकि मेटाबॉलिज्म केन आल्सो सीन इन आउटसाइड वर्ल्ड वी कैन पुट अप केमिकल्स एंड वी कैन पुट अप प्रोटीन और समथिंग इन टेस्ट्यूब और हम बाहर भी इसे कर सकते हैं the sum of total of chemical reaction occurring in our body is called metabolism no living or organism exhibit metabolism right so metabolism reaction can be demonstrated outside the body in a cell free system metabolism is defining feature of all living organism without any exceptions and all living from the prokaryote to most complex eukaryote sense and response to the environmental clues all organism is therefore aware of their surrounding yes

Now the diversity in living organism, the number of species that are known, describe range is 1.7 to 1.8 uh, million, and this refers to the biodiversity. Bio means living, diversity means form. Alag-alag living, alag-alag uh, life ke form hai, that's called biodiversity. The naming of the living organism is called nomenclature, and the organism is described correctly, and we know that the organism name is attached to it. एंड देयर इज द आइडेंटिफिकेशन पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर द ऑर्गेनिजम इज प्लांट एन एनिमस दैन वी नेमिंग द ऑर्गेनिजम नामकरण करेंगे एंड देन क्लासिफाई कि ये प्लांट में जाएगा प्लांट में किस में जाएगा टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा जिम्नोस्पम एंजोस्म एनिमल में बहुत सारी चीजें हैं राइट सो दिस एक्सेप्टेबल बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द प्लांट द साइंटिफिक नेम कैन बी बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडिंग इन द इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटानिकल नोमक्लेचर जितने भी बॉटनी uh, वाले नाम है इसमें रखे जाते हैं एनिमल हैज टेक्सोनॉमीजिन इवॉल्व इंटरनेशनल कोड फॉर द जोलॉजिकल नोमक्लेचर एंड बायोलॉजिस्ट फॉलो द दूनवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म ईच नेम हैज टू कॉम्पोनेट वन इज कॉल्ड जेनेरिक एंड अदर इज कॉल्ड स्पेसिफिक जेनेरिक पहला वर्ड होता है फर्स्ट और स्पेसिफिक सेकेंड होता है दूसरा वर्ड होता है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं दिस सिस्टम इज प्रोवाइडिंग द नेम ऑफ टू कॉम्पोनेट इज बाई नोम नोम क्लेशर विच वॉज गिविन बाई द कार्लस लीनियस द साइंटिफिक नेम इज़ मैंगो इज रिटन एंड मैंजीफेरा इंडिका एम इज अ कैपिटल लेटर एंड द फर्स्ट वर्ड इज कॉलर जेनेरिकन इज अ स्मॉल आई आई इज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल और इनके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए और ये वाला जो है स्पेसिफिक है तो वॉट इज द यूनिवर्सल रूल फॉर नेमिंग ऑल द ऑर्गेनिज्म चाहे वो हम ही क्यों ना हो या कोई इंसेक्ट हो हाउस फ्लाई हो मैंगो हो या कोई भी हो तो इसके पीछे यूनिवर्सल रूल क्या है ऑल द बायोलॉजिकल नेम कैन बी जनरली इन अ लैटिन एंड रिटर्न इन इटैलिक्स दे आर द लेटेनाइज और डराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रजेंटेड द जीनस वाइल द सेकेंड कॉम्पोनेंट जो uh, 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 भी आप लिखेंगे मैं इंडिका तो उसे अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है uh, लेटिन ओरिजिन होता है पहले वर्ड को हम जीनस कहते हैं एंडार्ट विद ए कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है दूसरा होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है उसे हम स्पेसिफिक uh, uh, बोलते, है, बोलते हैं स्पेसिफिक बोलते हैं मेनजीफेरा इंडिका एम फोर कैपिटल यहाँ आई स्मॉल है द क्लासीफिकेशन इज द प्रोसेस बाई विच एनीथिंग इज ग्रुप इन टू द कन्वीनियंट कैटेगरी एंड या इट्स इजली ऑब्जर्वेबल हम ईजी हो जाता है क्लासीफिकेशन का मेन मुद्दा ये है कि हम uh, बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं द करेक्टरिस्टिक्स का करेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेन क्लासीफिकेशन नॉम एंड क्लेचर एट द पर्पज ऑफ द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी द वर्ड systematic इज़ derived from द लैटिन वर्ड systema, which means द systematic अरेंजमेंट ऑफ organism. जैसे आप अपने घर में अगर systematic ढंग से कोई भी सामान को रखेंगे तो उसे समझना उसको ढूंढना बड़ा आसान रह जाता है ऐसे ही है हम एनिमल्स में अगर अच्छे से उसको कैटेगराइज कर देंगे तो हमें समझना आसान हो जाएगा लीनियस यूज़ द सिस्टमा नेचर फॉर द टाइटल ऑफ पब्लिकेशंस। टेक्सोमिकल कैटेगरी में स्पीशीज इसको याद करने का तरीका ये है कि इसे याद करने का तरीका ये हो सकता है कि दैट इज कीप पॉट क्लीन अदरवाइज अदरवाइज फैमिली गेट सिक इसका मतलब ये हुआ कि कीप uh, मतलब किंगडम जो कि सबसे बड़ा है फिर उसके बाद फाइलम आएगा तो यहां से शुरू कर देते हैं स्पीशीज़ स्पीसीज बहुत ही बेसिक यूनिट है दो या दो से अधिक स्पीसीज कंबाइंड होकर जीनस बनाती हैं दो या दो से ज्यादा जीनस मिलकर क्लास क्लास से, class, से phylum phylum, kingdom, right? तो द ग्रुप ऑफ द फंडामेंटल सिमिलरिटी इंडिका मंडिका टूबरिज्म पोटैटो एंड पेंथरा लियो लॉन्न इंडिका ट्यूबरम एंड लियो रिप्रेजेंटेड स्पेसिफिक जीनस जीनस कंप्रोइज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज दो या दो से अधिक स्पीसीज मिलके के जीनस बनाते हैं पोटाटो टोमेटो ब्रिंजल आर द थ्री डिफरेंट स्पीसीज बट बिलोंग टू द सेम जीनस दैट इज कॉल्ड सोलेनम family family it has a group of related genera and is still less number of similarities compared to the genus and species the solanum Putania and datura they are place of family solanaceae uh, <clears throat> order the order is being higher category is the uh, assembles of family which exhibit the few similar characters the animals order carnivora included the family Fidiaceae and cadiaceae क्लासेस प्राइमेटा कंप्राइज द मंकी गॉरेला गिबंस फाइलम द क्लास कंपराइजेज द एनिमल्स लाइक फिश रेप्टाइल्स बर्ड्स अलॉन्ग विद द मैमल्स तो किंगडम एक बहुत बड़ा है जिसके अंदर बहुत सारे एनिमेलिया और प्लांट आते हैं uh, यहाँ पे ये यह वाला डाटा बहुत इंपॉर्टेंट जो एन में है जैसे मैनको होमो सेपियंस बोलते हैं जीनस होमो है है ना और हाउस फ्लाई को कैसे लिखते हैं मैंगो को मंजी फेरेंडी का वीट को ट्राई ट्राई कम तो इसको आपको देखना है टेक्सोनॉमिकल एड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड द इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पीसीज स्पेसमेंट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इजेंशियल फॉर द प्राइम सोर्सेज ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज बायोलॉजिस्ट द सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक विच आर स्टोर्ड

बोटानिकल गार्डन द फेमस बोटानिकल गार्डन आउ इंग्लैंड सबसे बड़ा है इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है नेशनल बोटानिकल गार्डन दे आर सिचुएटेड लखनऊ इंडिया म्यूजियम बायोलॉजिकल म्यूजियम एंड जर्नलिट सेटअप ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल कॉलेजेस म्यूजियम में क्या होता है प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंट्स होता है फॉर स्टडी पर्पज जोलॉजिकल पार्क दे आर द प्लेस वेद वाइल्ड एनिमल्स को हम लेके आते हैं उनको वहीं पर एटमोस्फेयर देते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें और वहां कर सकते हैं की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड्स फॉर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर होगा उसको एक कैटेगरी में दे, दे देंगे। जनरली इन पेयर एंड कपलेट तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं तो अरेस्टोटल वाज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो सबसे पहले अरेस्टोटल अरेस्टो अरेस्तू कह लिए अरेस्टोटल ही कह रही लीजिए कि ही वॉज कंसिडर द फादर ऑफ जोलॉजी यानी ही वॉज अटेम्प्ट टू क्लासीफाई दे यूज अ सिंपल मोफोलोजी कैरेक्टर्स क्लासिफाई द प्लांट्स इन टू द ट्री शर्ब एंड हर्ब्स इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है ही इन डिवाइडेड द एनिमल्स द टू ग्रुप विच हैविंग द रेड ब्लड सेल एंड डू नॉट हैव अ रेड ब्लड सेल दैट इज कॉल्ड इनिमिया एंड अनिमिया फिर उसको फर्दर आगे भी डिवाइड करने की कोशिश करेगी फिर कार्लस लिनियस आए ही डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिज्म इनटू द टू किंगडम दैट इज प्लांटी एंड एनिमीलिया इन्नी है ना एनिमल्स और प्लांट में डिवाइड किया दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। कैरियोट और बेहतर तरीके से डिवाइड नहीं थे यूनी सेलोलर मल्टी बेहतर तरीके से डिवाइड नहीं थे फोटो नॉन बेहतर तरीके से डिवाइड नहीं थे तो ये सिस्टम ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया नाउ उसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम फोर किंगडम सिस्टम थ्री किंगडम सिस्टम ने दिया था फोर किंगडम सिस्टम कॉपलैंड ने दिया था एंड फाइनली द मोस्ट प्रोमिनेंट द मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन इज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवेन बाय आर एच विडेकर सो दिसव किंगडम्स क्लासिफिकेशन इज मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाइब प्लांटी एंड एनिमिलिया दे आर बेस्ड ऑन द सेल टाइप सेल वर्ल्ड न्यूक्लियर मेमर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मोड मोड ऑफ न्यूटेशन अब बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मोड ऑफ मोड ऑफ क्लासिफिकेशन मान लेते हैं बट दिस इज नॉट अ मोड ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले मोड ऑफ क्लासिफिकेशन जान लेते हैं द मोड ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड द सेल स्ट्रक्चर ये मैं नोट जब दूंगा तो आपको दिखाई देने लगेगा टेलीग्राम पे थैलस ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप यानी फाइलोजेनिक मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एवोल्यूशनरी uh, हिस्ट्री में अच्छा इसको देखेंगे तो सेल टाइप में मोनरा प्रोकैरियोट्स में होते हैं मतलब मोनरा में सेल uh, टाइप uh, देखा जाए तो प्रो सेल वॉल नॉन सेलोलॉजिक न्यूक्लियर मेमर एब्सेंट होता है तो ऐसे आप टेबल को देख लीजिएगा तो आर एच बिटेकर द किंगडम ऑल द एंटायर किंगडम इज डि मोनरा प्रस्टा फंजाइब प्लांटी एंड एंड द मेन क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया अच्छा इसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में है तो डेट भी इंपॉर्टेंट है अब मोनेरा से शुरुआत करते हैं मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरिया हैं तो मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरिया हैं तो मोनेरा में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं सारे के सारे हम बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं ठीक है सारे के सारे हम बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं तो बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया अकर अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर सॉइल में एयर में हमारे अंदर हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं they also live in extreme habitats such as the hot spring deserts snow deep oceans where very few and other uh, other life form can be survive uh, There is are the shape of uh, bacteria the cocci bacillus uh, flagella spirilla and coma shape vibrio uh, <clears throat> so bacteria can group under the four category uh, on the shape that is a spherical cocci rod shape and bacillus

सेलव्लॉल इज द स्ट्रक्चरल एंड दिस फ्यचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ़ एक्सट्रीम कंडीशन मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल रोमिनेंट एनिमल्स जो जुगाली करते हैं घास खाएंगे फिर हम मुंह चलाएंगे उनके गट में रहता है फॉर द सेलेलोज डाइजेशन बिकॉज द सेलेज इज प्रेजेंट इन द ग्रास और जब वो डंग पास करते हैं तो उनसे बहुत सारा मिथेन मिथे, मिथेनोजन बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन गैस दैट इज अ बायोगैस नाउ वी हैव अ यू बैक्टीरिया यू का मतलब ट्रू तो ये दे आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया बिकॉज द पेप्टीडोग्लाइगन इज प्रेजेंट इन देअ सेलवाल तो अगर पेप्टीडोग्लाइगन इज प्रेजेंट इन द सेलवाल दे आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया इफ इट इज अप्शन देर इज कॉल्ड नॉट अ ट्रू बैक्टीरिया द थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया दे आर कैरेक्टराइज बाजेंस ऑफ रिजिट सेलव भी फोटोसिंथेटिकॉप होते हैं इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया देर इज अट्रोसिस्ट और इसके चारों तरफ म्यूसिलेस्ट शीट होती है दिस हेट्रोसिस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन एग्जाम्पल नॉस्टॉप क्टीरिया और दूनिसर कॉनोलियन एंड फिलामेंटस मरीन एंटरेस्टियल एल्गी दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेसलाइज सेल दैट इज कॉल्ड हेट्रोसिस जो कि अभी मैंने दिखाया था दिस इज एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन के खींच के और मिट्टी में मिला देगा नॉन स्टॉक एंड एनाबेनापल कीमो सिंथेटिक ऑट्रोटॉप कीमो ऑटोमिन सेल्स ट्रॉपिन्यूट्रिशन केमिकल्स का यूज करके अपना खाना बनाना the bacteria can oxidize the various inorganic substances such as the nitrate neutralize the ammonia and use release energy for their atp production heterotrophic bacteria can be most abundant in the nature and the majority of uh, important are decomposers and this is another important line many of them has a significant impact on the human affairs and yes they, they are helpful to making curd from the milk production antibiotic fixing nitrogen in legume

द ऑर्गेनिज्म दैट लिविंग सेल्स नॉन एज कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव रह सकता है मेनी माइकोप्लाजमाजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लाट्स नाउ अंगडम प्रोटेस्टा किंगडम प्रोटेस्टा ऑल सिंगल सेल यूटिक्लेस अंडर द प्रोटेस्टा देव अड विच इज कॉल्ड डायटम डाइनोफलेट यूग्लेनोइडो प्रोटोजोवन एंड प्रोटोजोवन ये सारे हमारे प्रोटेस्टा में आते हैं बारी बारी से इनके बारे में बात करेंगे तो क्राइसोफाइट विच इज डायटम डायटम के क्या-क्या फीचर हो सकते हैं कि इनका जो सेल वॉल होता है दे आर मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिका इज इनडिस्ट्रक्टेबल। क्वेश्चन आया है कि ये जल्दी से खराब नहीं होगा और मरने के बाद जो जो इनका सेल सेल वॉल है नीचे ये मतलब कि पानी में इकट्ठा होगा एंड दे फॉर्म अर्थ और डायटमेशियस अर्थ बनाते हैं or uh, the group include the diatom and golden algae they are found in the fresh water as well as marine water they are microscopic they can float passively in the water current diatom the cell wall is a stubborn box ki hai. they are fit like this and they are made up of uh, silica which is embedded with the silica and thus the wall is indestructible Is the question I have. the diatom is left behind the large amount of cell wall deposit their habitat and accumulation over the billion of years they are called diatomaceous earth पहाड़ की तरफ मतलब समुद्र में आपको पहाड़ दिखाई नजर आएगा डायटम आर चीफली प्रोड्यूसर इन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन नाउ वी हैव अ द ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक इम्पॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन आता है कि इन ऑफ द फॉलोइंग आर द मरीन द डायटम डायनोफ्लिजलेट यूगलेनॉइडल डायनोफ्लिजलेट दियर येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू रेड डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट इज प्रेजेंट इन देअर सेलवाल सेलवाल हैज स्टिप एंड सेलोज And uh, most of them ha they have a two flagella uh, longitudinally and transversely. Uh, example is gonyulux gonyulux. Euglenoid, euglenoid, which hai fresh water stagnant water method, jo flow na kare, mein hai. Euglenoid is connecting link between the plants and animals because they, they can synthesize their food material. So instead of cell wall, they have a protein rich layer called pellicle which make their body uh, so much flexible they have a two flagella uh, they have a photosynthetic in the presence of sunlight when deprived the sunlight they behave like the heterotops example the euglena uh, slime molds slime molds are saprotropic protist saprophytic is a characteristic feature of fungi because all the fungi feed on the dead and uh, decay part it may मरे हुए पार्ट है उस पर फीड करते हैं बट ये ये भी ऐसे ही आ, ट्रीट करते हैं द बॉडी मूव अलॉन्ग विद द डिकेइंग ट्विंस एंड लीव इन गल्फिंग द ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाजमोडियम डिफरेंसिएटेड इन टू डिफरेंसिएटेड इन फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग द स्पोर्ट्स इन देयर टिप्स स्पोर्स आर डिस डिस्पर्स बाय द एयर करेंट नाउ वी हैव अ प्रोटोजोन्स प्रोटोजोन चार टाइप के होते हैं प्रोटोजोन आर हेट्रोटॉप्स बिकॉज

स इसमें सीलिया होते ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड कोई दिखाई दे तो चारों तरफ घूमने लगेंगे एंड द फॉर्म वाटर लेडन दे है माउथ एंड ओपन आउटसाइड द सेल सर्फिस पैरामिशियम स्पोरोजो एंड इनफेक्टेड स्पोर्ट्स लाइक द स्टेज इन मलेरिया इसे होता है ना वी हैव किंगडम फंसाइड दे आर हेट्रोटॉपिकर्गेनिज्मिपेंड ऑन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म East are used to make a bread and beer. yeast causing the rust like pectinia Source of antibiotic is Penicillium. Cosmopolitan हैं, हर जगह पाए जाते हैं. अकार air, water, soil on the animals and plant. Prefer to grow in a warm and humid places. They are a very important line. हर बार क्वेश्चन इस लाइन से आया है और आएगा. The their body consists of the long cylindrical thread-like structures called hyphae. मतलब plant के तरह दिखाई देते हैं, they are called hyphae.

लकड़ी सड़े हुए लकड़ी में ग्रो करता है मॉइस्ट और डैम प्लेसेस में पाए जाते हैं और ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट का मतलब होता है ऑलवेज पैरासाइट हमेशा पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द जू स्पोर्स और एग्जांपल म्यूकर है राइजोपस ब्रेड मोल्ड ब्रेड मोल्ड कहा जाता है अल्बीगो पैरासाइट ऑन फंजी फंजाइ अनमस्टर्ड

कॉन्टासियम वाइवियम फ्लूडियम ये वायरस जो है जहर की तरह है इन्फेक्शन की तरह है जो एक पर्सन से तो दूसरे पर्सन में फैल सकता है स्टेनलेस शो द वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज और जब क्रिस्टलाइज करेंगे तो बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा दे ऑफ लार्जली प्रोटीन कंटेन द जेनेटिक मटीरियल दैट कैन बी आइदर द आर एन एन डी एन ए इससे क्वेश्चन पूछा गया है द वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन न्यूक्लियो एसिड द आइदर डी एन और आर और प्रोटीन आउटर कवरिंग इज प्रोटीन प्रोटीन कोट कॉल कैप्सिड दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल कैप्सोम प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड वायरस कॉज ऑफ डिजीज लाइक माम्स स्मॉल पॉक्स हरपीज एंड लॉट ऑफ डिजीज वायरॉइड से काफी क्वेश्चन पूछा गया है इनटीन सेन टू डेनियर डिस्कवर द न्यू एजेंट दैट सिमिलर टू द वायरस द कॉज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर डिजीज पोटैटो स्पिडर ट्यूबर डिजीज इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आ रहे ने इससे क्वेश्चन आया फ्री आ रहे ने लैक ऑफ प्रोटीन कोट एंड फाउंड इन द वायरस एंड द नेम वायरॉयड फंगस की दोस्ती हो जाती है तो एल्गी जो होता है फंजाई के लिए खाना बनाता है और फंजाई एलगी को शेल्टर देता है एलगल कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोन और फंगल कॉम्पोनेट माइकोबायोन एलगीय फूड फॉर द फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइडेड द शेल्टर एब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिय एंड वॉटर फॉर इट्स पार्टनर लाइक एन इज वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर एंड तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन स्टार्ट विदर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दे आर बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टर इसलिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहा गया है इक्वल वेटेस दिया गया है टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट द ऑफ़न द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजिली अफेक्टेड बाई द इन्वॉर्मेंट तो इसलिए ये ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं है नेचुरल सिस्टम दे आर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटी मतलब लगाव अमंगजम एंड कंसिडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो दे आर इंक्लूडेड द इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रास्ट्रक्चर अनाटमी इमरोलॉजी फाइडोकेमिस्ट्री तो नेचुरल क्लासीफिकेशन कहीं ना कहीं ये बेहतर क्लासीफिकेशन माना जाता है एट प्रेजेंट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द इल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइलो फाइलोजेनिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आखिर वो प्लांट आया कहाँ से है बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम आर एक्सेप्टेबल नाउ वी हैव अरिकल टेक्सनॉमी विच इज नॉट नाउ इजली कैरिड आउट द यूज द कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर नाउ देयर इज अनादर टर्म विच इज कॉल्ड साइटो विच इज कॉल्ड साइटो टेक्सनॉमी the cytotoxicity that is based on the cytological information like the chromosome number structure behavior and cytotaxonomy. Cytotaxonomy, right uh, that use the chemical constitute of the plant and uh, resolve confusions are also by the taxonomics in this day they so start with the algae they start with the algae algae are called uh, the algae They have, they have a chlorophyll दे दे मे विद सिंपल थेलॉयड ऑटोट्रॉपिक दे कैन सिंथिसाइज देर फूड मटीरियल लार्जली इक्वेटिक बहुत फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर ऑर्गेनिज्म तो फ्रेश वॉटर और मरीन वाटर में पाए जाते हैं साइज इसके वेरी करते हैं माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं आप ऐसे देख नहीं पाएंगे और बड़े भी हो सकते हैं यूनिसेलवेर फॉर्म दिमाइडो मनास टू द कॉलोनील कॉलोनी कॉलोनी बनाते हैं वॉलॉक्स और फिलामेंटस ऑलोथ्रिक्स और स्पाइड वगैरह इसके एग्जाम्पल है द एलगी प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है एक छोटा सा फ्रेगमेंट डिटैच होगा पेरेंटल बॉडी से और एक नया एलगी डेवलप करेगा ए सेक्सुअल रिपोर्डक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स एंड द मोस्ट कॉमन आर जू स्पोर्स इसमें जू स्पोर मोस्ट कॉमन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ टू मील गामेट इसके गैमिट्स सिमिलर साइज के भी हो सकते हैं डिसिमिलर साइज के भी हो सकते हैं इफ़ इट इज द सेम साइज दैट इज कॉल्ड आइसोगेमस तो गैमेट्स कैन बी फ्लिजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज दैट इज अलॉथ्रिक्स ऑलोथ्रिक्स में आपको मेल uh, और फीमेल के गैमेट सेम नजर आएंगे नॉन फ्लिजिलेटेड होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं बट सिमिलर इन साइज इन रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस एन आइसोगेमस एक बड़ा होगा एक छोटा होगा छोटा वाला मेल गैमेट होता है बड़ा वाला फीमेल गैमेट होता है

कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड बाय द एलगी ठीक है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एलगी फिक्स करता है ना मेनी ऑफ द स्पीसीज लाइक पोर्फाइरा लेमेनेरिया सॉर्गेसम अमंग द सेवेंटी परसेंट ऑफ मरीन एलगी आर यूज द फूड इसे हम खा सकते हैं दे आर वेरी प्रोटीनियस इन नेचर सर्टेन मरीन ब्राउन एलगी एंड रेड एलगी प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोइड विच इज 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 द वॉटर होल्डिंग सब्सटेंस जिसके अंदर वाटर होल्डिंग सब्सटेंस पाए जाते हैं एग्जाम्पल एल्गिन विच इज कॉल्ड ब्राउन एंड कॉराजीन दैट इज रेड विच इज यूज इन कमर्सियली तो ये सारे लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस साल भी क्वेश्चन आ सकता है अगार इज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोड्यूस आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा ही होगा अगार के बारे में तो अगार इज प्रोडक्ट ऑप्टन बाय द जेलेडिनम एंड ग्रासी ग्लेसिया एंड दे आर यूज टू ग्रो द माइक्रोब एंड प्रिपेरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली आइसक्रीम और जेली के लिए प्रिपेयर किया जाता है क्लोरिला इज अ यूनिसेलर एरगा विच इज रिच इन प्रोटीन द यूज एज अ फूड सप्लीमेंट बाय द स्पेस ट्रेवलर जो स्पेस में लेके जाते हैं uh, वो इसको लेके जाते हैं बिकॉज दिस क्लोरिला इज अ रिच इन प्रोटीन ना वी हैव अ क्लोरो फाइसी क्लोरो मीन्स ग्रीन फाइसी मीन्स प्लांट लाइक अ स्ट्रक्चर तो क्लोरो मीन्स ग्रीन फाइसी मीन्स प्लांट लाइक अ स्ट्रक्चर प्लांट लाइक अ स्ट्रक्चर तो दिस इज अ दिस इज अ कॉल ग्रीन एल्गी इसे हम ग्रीन एलगी कहते हैं दे आर कॉल ग्रीन एल्गी द प्लांट बॉडी मे बी द यूनिसेलर कॉलोनियर ऑफ फिलाेंट ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंट पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल ए एंड बी इसलिए इसका नाम पड़ा ग्रीन एल्गी क्लोरोप्लास्ट में भी दिस्कवाइड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप स्पायरल रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीसीज मोस्ट ऑफ द मेम्बर्स वन आर मोर स्टोरेज बॉडी इज कॉल्ड पैरानोइड विच इज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास तो इसका फूड स्टोरेज मटीरियल जो है पेरोनॉइड uh, होता है पेरोनॉइड में आप देखेंगे पेरोनॉइड के सेंटर में आपको स्टार्च नजर आएगा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पेरानोइड कंटेन स्टार्चोमोनास वॉलबक्सर कायरा इसके एक एग्जाम्पल है इज कॉल्ड ब्राउन एलगी इसे हम ब्राउन एलगी बोलते हैं कलर ब्राउन एलगी इसलिए है क्योंकि इसके uh, इसके क्लोरो इसके 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 अंदर जो पिगमेंट है दैट इज कॉल फूकोजेंथीन ठीक है इसलिए इसे ब्राउन एल्गी कहा जाता है ब्राउन एल्गेरा फाउंड प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट भी क्वेश्चन आया है कि इन द फॉलोइंग एलगी इज ओनली प्रेजेंट इन द मरीन तो दैट इज द ब्राउन एल्गी पोज ऑफ द क्लोरोफिल ए सी करेटनाइड एंड जेंथोफिल फूड स्टोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच बी फॉर्म द लैमरीन एंड मैनिटोल फूड स्टोर इज वेरी इंपॉर्टेंट वहां पे ग्रीन एल्गी में पेरानोइड था यहाँ पेमरीन और मैनीटोल सेल्स इज अ अलोज वॉल यूजली कवर ऑन द आउटसाइड बाय बाई शीट विच इज कॉल्ड एलगीन एलगीन से कवर रहता है प्लांट बॉडी हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट होल्ड फास्ट से वो किसी भी चीज से रखेगा तो लीफ की तरह होते हैं इसे हम फ्रॉन्ड बोलते हैं जिससे अटैच होता है इसे फास्ट कहते हैं यूनियन ऑफ गेम मे बी टेक प्लेस इन वॉटर विद इन दूगोनियम एग्जाम्पल अगर बात करें एक्टोकार्पस डाइकोटा लेमेरियाजाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट अ रोडोफाइसी कलर ऑफ द रेड एल्गी आर कॉल्ड रेड एल्गी तो कलर इज ड्यू टू द फाइको इससे क्वेश्चन आया है कि वाई द कलर ऑफ रेड एलगी इज रेड ड्यू टू द फाइको एराइथ्रीन तो रेड एल्गी बिकॉज द प्री डोमेंट रेड पिगमेंट आर फाइको एराइथ्रीन इन द बॉडी मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मरीन बट द ग्रेटर कंसेंट्रेशन फाउंड इन द वॉम एरिया फूड स्टोरेज फ्लोरिडियन स्टार्च अगेन फिर से रिवाइज कर लेते हैं ग्रीन एल् में पेरानोइड ब्राउन एलगी में मैनीटोल एंड लैमरीन और यहाँ पे है फ्लोरिडियन स्टार्च दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट इज इज सिमिलर टू द माइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर और इससे भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है दिस टेबल इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट क्लोरोफाइसी ग्रीन एलगी फ्योफाइसी ब्राउन एलगी रोडोफाइसी रेड एलगी मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी क्लोरोफिल फ्यूकोजैनथिन और फ्यूकोफाइको एराइथ्री uh, अगर फूड स्टोरेज स्टार्च मैनिटोल एंड लैमरीन फ्लोरेडियन स्टार्च

and they are dispersed from the plant body and they uh, move in the water and they combine to form a new bryophytes so bryophyta is also called amphibian of the plant kingdom because they are they can live on the soil but depend on the water for the sexual reproduction thallus like uh, organ prostate and erect attached to the substratum by the unicellular and multicellular rhizoid they lack the true root stem and leaf can the true root leaf lack or the stem or leaf nahi hota hai they produce uh, uh, they produce a uh, cell organ like uh, Enthridium. They produce Biflagellated Enthrozoite. The female Sex organ are Archegonium Which is a flagship. They produce a single Egg. Economic importance Provided the Herbaceous mammal Which is bind to the another Animal. They provided the peat They have a long been used as a fuel Because their capacity to Hold water and packaging material Transitional uh, Transshipment of the living material. Mosses where the lichen are first organism to colonize the rocks and they are important for the succession. Bryophyta is divided into the two parts, liverwort and mosses. The, liverwort. <clears throat> the plant body of liverwort is thalloid, that is called Margensia. Asexual reproduction of liverwort take place in fragmentation of the thalli and formation of a specialized structure is called gamete Gammy are green multicellular

इस जितने भी लाइन है जितने भी लाइन है इस लाइन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं है ना इस लाइन से कभी ना कभी क्वेश्चन आए ही हैं। आप मुझे आधे घंटे बाद फोन कर लीजिए तो टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स आर यूज फॉर द मेडिसिनल पर्पस एंड एंडल बाइंडर इसे स्वाइल बाइंडर कहते हैं Evolutionary, they are first terrestrial plant to possess the vascular tissue xylem and phloem. Xylem Pteridophytes are the main plant body, which is called sporophyte, which is different uh, into the root, stem and leaf. And the leaf are the pteridophyte small, which is called microphylls. Salicylena in the last uh, 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 the example is found. These gametophytes required cool, damp, shady places to grow. And this gametophyte bear the male and female sex organ called the antheridia and archegonia. The antheridia produce a male uh, gametes which is flagellated. They can be moved, and uh, archegonia gametes produce karta water Water What is required for the transport of anthrozoite which is the male part, zygote. Thereafter, produce a multicellular, well differentiated sporophyte, which is dominant phase.

ना जिमस्प ओव आर नॉट इनक्लोजेड बाई द ओवरी द रिमेन एक्सपोज बोध बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ठीक है सीड दैट डेवलप पोस्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर एंड दे आर नेकेड एंड वन ऑफ द जिम्नोपॉम आर जाइंट रेडवुड ट्री और ये काफी आता है कि सबसे बड़ा ट्री कौन सा होता है टॉलेस्ट स्पेसिस माना जाता है रूट आर जनरली टैप रूट ठीक है रूट आर जनरली टैप रूट इसे हम टैप रूट कहते हैं ठीक है दे आर टैप रूट रूट इन समे अ फंगल एसोसिएशन टू फॉर्मोराइजर इसे माइकोराइजा कहते हैं एंड द लीफ ऑफ जिम्न आर वेल अडोटेड विद द वेट एस्ट एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड ट्राई सो इट कन फाइन दिल रिड्यूज द सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया को रिड्यूस करता है एंड द थिक क्यूटिकल शंकन एस्टोमेटा इज ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द वॉटर इससे क्वेश्चन आया हुआ है आता है आता रहेगा जिमनेस्पॉम इज हेट्रो एस्पोरस द लीफ साइज में विदेरी प्रोड्यूसॉयड माइक्रो एस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्ट्स राइट और द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिंग ग्रीन टेक प्लेस विद इन द माइक्रो एस्पोरेंजिया माइक्रो एस्पोरेंजिया के थ्रू होता है The nucleus is protected by the envelope and composite structure is called ovule. Ovule is the pollen grains is released from the microsporangia. Microsporangia is a pollen grain release. Hota hai. They are carried out the current in contact with the opening and ovule born into the mega mega esporophyll. Now we have an angiosperm, angio vessel, as pama and seed. They have a xylem and phloem are well developed and they have a well-developed seed also. पॉलिंग्रीन्स एंड ओब्यूज आर डेवलप इन स्पेसिलाइज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लॉर फ्लॉर इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच कैरी द मेल एंड फीमेल पार्ट इट रेंजेस साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया बहुत बड़ा ट्री होता है इक्यूलिप्ट हंड्रेड मीटर होता है इससे दे आर टू द टू क्लासेज डाइटिलोड एंड मोनोकॉटिलोडॉन कॉटेलिडॉन जब आप किसी सीड को खोलते हैं दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है जैसे गेहूँ का है ना तो दैट इज द डाइकॉट मोनोकॉट सिंगल राइस है है ना द मेल सेक्स ऑर्गन इज अ फ्लॉट स्टेमिन जिसके अंदर एंथर होता है एंथर के अंदर ग्रेन्स होता है और वही ग्रेन्स रिलीज होगा हवा में पानी में डिपेंड करता है प्लांट कहाँ पे है और वो जाके उ, उसी ग्रेन्स के अंदर मेल गामिट्स होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन इज अ फ्लार इज अ पिस्टल एंड कापल फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या होता है द अपर पार्ट इज कॉल स्टाइल ओवरी एंड ओव्यूल ओव्यूल के अंदर जो है ओव्यूल के अंदर जो है आ, पॉलिन ट्यूब आता है पॉलिन ट्यूब कैरी द गैमेट मेल गैम फॉर्म जनरेटिव सेल इज कैरीड थ्रू दॉलिन ट्यूब इज मॉडिफिकेशन ऑफ इंटाइन विच इज द इनर पार्ट ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स तो ये पॉलिंग ट्यूब यहाँ आता है कहाँ पे आएगा ये ओव्यूल के अंदर आएगा और ओव्यूल के अंदर एग होते हैं पोलर न्यूक्लाई होते हैं वहां पे फ्यूजन होता है दो बार फ्यूजन होता है डबल फर्टिलाइजेशन इज

अदर मेल गार्मेट इज व डिप्लॉयड विच इज द पोलर न्यूक्लिया सेंट्रल सेल दे फॉर्म अ प्राइमरी एंडोस्पॉम न्यूक्लियस एंड प्राइमरी एंडोस्पॉम सेल एंड फाइनली दे फॉर्म अ एंडोस्पॉम दिस एंडोस्पॉम इज डिप्लॉयड इन नेचर एंड दिस दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोइंग ऑफ द एमब्रियो एम्बरीओ को ग्रो करने के लिए एंडोएसपॉम की ज़रूरत होती है तभी वो एम्बरीओ अच्छे से ग्रो हो पाएगा एंड डिपेंडिंग ऑन द कंजम्शन ऑफ एम्बरीओ सीड के अलग टाइप हो सकते हैं कि पूरा का पूरा एंडोएसपॉम कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है

तो एनिमल किंगडम से बात करते हैं तो एनिमल किंगडम इंक्लूड द मल्टी यूकैरियोट्स यू एंड व्हील एंड आर मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक एंड मल्टी सेल्युलर एनिमल्स जनरल फीचर क्या हो सकता है द कॉमन कैरेक्टर्स लाइक द सेल अरेंजमेंट बॉडी सिमेट्री मोड ऑफ नेचर ऑफ सिलोम पैटर्न ऑफ वेरियस सिस्टम इन द बॉडी एंड द नेक्स्ट इज लेवल ऑफ द ग्रेड ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन वन इज कॉल ए सेलुलर लेवल सेलुलर लेवल जिसमें सारे सेल एक जगह एकत्रित हो जाते हैं ठीक है फिर हमारा टिश्यू लेवल होता है सिमिलर सेल के टिश्यू सिमिलर सेल्स जब एक कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनाएंगे गैस्ट्रोडर्मिस एंड एपिडर्मिस सेलिंड्रेट निडीरिया टीनोफोरा ऑर्गेन लेवल मतलब कि सारे टिशू मिल एक अलग अलग ऑर्गेन बनाते हैं दैट इज कॉल ऑर्गेन लेवल जिसका कुछ स्पेसिफिक काम हो अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को दो हिस्सों में बांटते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम को दो हिस्सों में बांटते हैं पहला हिस्सा जो होता है हमारा दैट इज़ कॉल इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम राइट तो कम इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि खाना उसी पॉइंट से अंदर आएगा उसी पॉइंट से बाहर जाएगा सिंगल ओपनिंग होता है है ना माउथ एंड एन नहीं होता है हाइड्रा और प्लेटी हेलमेंथिस में देखा जाता है कंप्लीट में क्या होगा कि दे हैव अ टू ओपनिंग वन इज कॉल माउथ एनदर इज कॉल एनस एम्फीबिया और मैमल्स में, में देखा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें अगर तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी कुछ इसी प्रकार होता है ओपन टाइप और क्लोज टाइप ओपन टाइप का मतलब है कि हार्ट से ब्लड आया और ब्लड एक कैविटी में आएगा और कैविटी में बहुत सारे सेल्स होंगे टिश्यू होंगे ऑर्गन होंगे उस ब्लड को खींचेंगे और फिर रिटर्न बैक कर देंगे मतलब ब्लड वेसल मेंटेन नहीं होता बी पी मेंटेन नहीं होता तो ब्लड पंप इनटू द बॉडी कैविटी डायरेक्ट इनटू द सेल और टिश्यू बीपी ब्लड प्रेशर इज़ नॉट मेंटेन लेस एफिशिएंट सिस्टम माना जाता है लोअर ऑर्गेनिज्म में रिपोर्टेड है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड पंप थ्रू द सीरीज ऑफ वैसल्स आर्टरीज वेन कैपलरीज आर देयर ब्ल बी मेंटेन रहता है इसमें नाउ वी हैव अ अमिट्री सिमिट्री का मतलब होता है कि बॉडी को काटना काट के देखेंगे तो एनी लाइन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल हाफ दैट इज कॉल्ड सिमेट्री राइट तो सिमेट्री के दो तीन एग्जांपल होते हैं ए सिमेट्री रेडियल सिमेट्री बायोलेक्ट्रोल सिमेट्री ए सिमेट्री का मतलब है कि आपने उसके सेंटर से पास किया लाइन और बॉडी दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड हो सो दे आर कॉल्ड ए सिमेट्री एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल हाफ रेडियल सिमेट्री आपने लाइन पास किया सेंटर से और बॉडी बिल्कुल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गई है ना सेंटर से पास किया किसी भी एस्पेक्ट में किसी भी एंगल से देखोगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया दैट्स रेडियल सिमेट्री बायोलेटर सिमेट्री क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक प्लेन से ही आप काट सकते हो है ना एक प्लेन से काट सकते हो तो एक प्लेन से एक्सटर्नली वो डिवाइड हो जाएगी इंटरनली डिवाइड नहीं होगी यहाँ पे डायग्राम दे सकते हो ए सीमिट्री में स्पॉन्स आते हैं आप किसी लाइन से पास करोगे कर तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा

के बीच में जो ये कैविटी बन जाती है इसको हम सिलोम कहते हैं और इसके अंदर जो फ्लूड होता है दैट्स कॉल्ड सिलोमिक कहाँ सिलोमेट एनिमल्स के एग्जाम्पल आपको आने ही चाहिए है ना तो एनिलिडा मोलस्का ऑर्थोपोडा ऑर्थोपोडाडोटेडेटा कॉडेटा ये सिलोमेट द एनिमल्स विच इज द बॉडी कैविटी इज एबसेंट ए सिलोमेट कैविटी नहीं है मिजोडम के अंदर आपको कैविटी नहीं नजर आएगा प्लेटी हेलमेंथिस आया क्वेश्चन है आता है ट में अगर देखेंगे तो इसमें पैचेज आपको नजर आएंगे नॉट कम्प्लीट लाइनिंग ऑफ मीजोडम देर इज अज पैचेज होगा तो कंप्लीट नहीं होगा द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय दिजोडम इनस्टेडोडम इट इज प्रेजेंट विच इजेड पाउच इज बिटवीन द एक्टोडम मिजोडम एसकेल इज अ करेक्ट एग्जाम्पल नाउ वी हैव अगमेंटेशन द बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इन टू द सेगमेंट विदरियल ऑफ रिपिटेशन एटलीट सम्पल द अर्थ वॉर्म

लोकोमोटरी ऑर्गेनिज एपसेंट इसलिए पैरासिटिक होते हैं किसी होस्ट में जाएंगे तो उसे डिजीज कॉज कर देंगे कॉन्ट्रेक्टाइल इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेश वाटर प्रोटोजोन लाइक अमीबा जो कि ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ द सेल बॉडी के लिए जाना जाता है फ्री लिविंग यूगलिना अमीबा पैरामीशियम नॉक्टिलुका और पैरासिटिक मोनोसिस्टिक एंटेमीवा प्लाज्मोडियम ट्रेबिसोमा जी ये सारे हमारे पैरासिटिक हैं

ऑर्गेनिज्म uh, दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होगा इसमें uh, जो है uh, दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा राइट ऑस्टिया uh, और ओपरिकलम के बात, बारे, बारे में बात करें तो अगर छोटे छोटे पूरे बॉडी पे छेद नजर आएंगे दिस इज कॉल्ड ऑस्टिया और ओपरिकलम एक ऊपर वाला होता है जिससे uh, पूरा का पूरा चीज निकलता है तो ऑस्टिया द वाटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर बॉडी वॉल इन टू द सेंट्रल कैविटी दैट इज कॉल्ड स्पोंजो सील ये सारे स्पॉन्जोसिल हैं स्पोसोसिल के अंदर क्वाइनोसाइट्स लगे होते हैं जो नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ऑस्कुलम द स्क्रिटरी मटीरियल इज एंड ओवा पास थ्रू द ऑस्कुलम राइट अच्छा इसके एग्जाम्पल है साइकॉन यू स्पोंजिया स्पोंजिया इसके सारे एग्जाम्पल हैं क्वाइनोसाइट कॉलर सेल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द सेज लाइन द स्पोंजोसीज एंड कैनाल द डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर बॉडी सपोर्टेड बाय द स्कैलेटर विच इज कॉल स्पीक्यूल्स सेक्सेज आर नॉट सेपरेट हर्माफोडाइट्स होते हैं मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट विद इन द सेम बॉडी एग एंड स्पॉम प्रोड्यूस विद इन द सेम बॉडी फर्टिलाइजन बॉडी के अंदर होता है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है मतलब लारवा स्टेज होता है लारवा से वो अडल्ट में बनेगा एग्जाम्पल साइकॉन स्पॉन्जिया प्रोटीन कायला यो अस्पॉन्जिया यूपेक्टेला ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे सिलेंड्रेटा uh, निडेरिया के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ स्पीसीज आर मरीन फाइलम नीम इज डायराइव फॉर द स्टेंडिंग सेल्स एंड दे हैव अ ब्लाइंडी प्लान रेडियो होते हैं दो इसमें लेयर आपको नजर आते हैं इंजेशन और एक्सेशन लीड टू द गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एनएस एबसेंट होता है तो ऑब्वियस इसका डाइजेशन इनकम्प्लीट होगा सेंट्रियॉन आज सिंगल ओपनिंग दे हैव टू बेसिक फॉर्म पॉलिप एंड मेडोसा पॉलिपायलोनियल रिजम्बल टू द माउथ एंड फेसिंग अपवर्ड ऊपर की तरफ माउथ और टी होता है इट इज लाइक बेल बेल की तरह आपको दिखाई देगा घंटी की तरह डाउनवर्ड माउथ और टेंटिकल नीचे के तरफ होते हैं तो मेडुसा कैन बी रिकॉर्डेड एज अ अप डाउन और पॉलिव से मेडुसा बन सकता है थ्रू दोपिगेशन और मेडुसा से पॉलिव बनेगा सेक्सुअल रिपोर्डक्शन ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है

And uh, they join together to form a com plated which help in the locomotion digestion extracellular intercellular both type. Ka hota hai. They have a amoeboblast uh, uh, amy cells and in smooth muscle cells, they are uh, comparable to the loose layer of the cells. Uh, reproduction with the help of sexual mode and they do not exhibit the larva phase in their life cycle, de 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 development direct. Hota hai. हॉमी हॉर्मी फोरा टीनोफोरा ये सारे एग्जाम्पल है प्लियोब्रेन के प्लेटी हेलमेंट से फ्लैट वॉम कहा जाता है तेरह से स्पीसीज अभी पाए जाते हैं डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेड बॉडी से अर्थ से चिपके रहते हैं फ्लैट वार्म होते हैं दे आर मोस्टली पैरासिटिक ये डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स को ह्यूमन को भी बाइलेक्ट्रोसिमेट्रिक होते हैं ट्रिपलो ब्लास्टिक ए सिलोमेट पाए जाते हैं ये तीनों करेक्ट्रिस्टिक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है

now we have a scelmenthis they are known as nemato, uh, nemato, nematodes the body of scelmenthis is circular in cross sections hence they are called round worm uh, they may be the free living aquatic terrestrial and parasitic in plants and animals they have a organ level organization bilateral symmetry triploblastic coelomate animals are there organ level organization tube within tube body plan is present they have a elongated body pointed end

फर्टिलाइशन इंटरनल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट में भी द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट होगा तो नया या, बनेगा इन होगा तो लार्वा बनेगा एग्जाम्पल एस्कैरिस लार्वा नेम रेबडी फॉर्म लार्वा लारवा से क्वेश्चन पूछा जाएगा वेरिया फलेरियल वॉर्म एन एस्टोमेटा हुक वॉम एंडलस पिन वॉम नाउ वी हैव एनलीडा एनलीडा का मतलब होता है कि इसके अंदर जो सेगमेंटेड बॉडी होंगे फाइलम एनलीडा इंक्लूड द नाइन थाउजेंड स्पीसीज मेटामेरिकली सेगमेंटेड The, the number of lining is fixed. They are called true coelom important here. triploblastic bilateral symmetry, animal with organ level grade of organization. Each segment externally divided into the many parts of the ring that lead in annulus. They have a longitudinal and circular muscle which help in locomotion. The body is covered with the definitive cuticle secreted uh, from the ectoderm. equating animals that is called nares, they possess the lateral appendix. Unke

ortho means jointed poda means pair jointed pair this is the largest phylum of the animal kingdom it is insect over third of the all name species on, on the earth is orthopoda organ level organization bilateral symmetry triploblastic, segmentation silometric animals so within the body of earthworm is covered by the cutaneous cuticles which form the exoskeletal bodies uh, consist of the head the thorax and abdomen the respiratory organ is gills book gills, lungs

और वेलेंगर लार्वा, वेलेंगर लार्वा, दिस वेरी है, पाइला, पिंकाटा, सीपिया, लोलीगो, सारे आने चाहिए. एक होते हैं, छोटे छोटे कांट, कांटे की तरह इनके बॉडी होती है इसका मेन फीचर होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है तो लैटिन वर्ड स्पाइनी डर्मेटोन स्किन के ऊपर स्पाइन होता है ये मरीन होते हैं ऑर्गेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है एडल्ट एक रेडियल सिमेट्री से क्वेश्चन आया एडल्ट का डर रेडियल सिमेट्री होता है बट लार्वा बायोलेक्ट्रल सिमेट्री होता है इसका लार्वा बायोलेक्ट्रो सिमेट्री एडल्ट रेडियल सिमेट्री ठीक है ट्रिपलो ब्लास्ट सिलोमेट एनिमल्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद द माउथ ऑन द लोअर वेंटर साइड एनस एंड अपर साइड डॉस मोस्ट डिस्टिंग फीक ऑफिंग डिस्टिंक्ट फीचर of echinodermata is the presence of water vascular system this is kind of water vascular system it consists of array of radiating canal tube like appendages called tube feed the main function is locomotion and capture the food tube feed is also served as the equivalent of the gills during the respiration and the excretory system no proper circulatory system is present excretion is achieved partially by the diffusion through the body surface and the void cells they are absorbed the excretory waste and carry out सेक्सेस आर सेपरेट रिपोर्डक्शन सेक्सुअल होता है फर्टिलाइजेशन यूजर्नल डेवलपमेंट इनक्लूडिंग रखना चाहिए स्टारफिश सी अर्चिन हार्ट अर्चिन है ना ये इस सारे एग्जाम्पल आप एक बार इन नोट्स के थ्रू देख लीजिएगा नाउ वी है आधा कोडेटा है आधा नहीं है

Organ is probopsis, gland sexes are separate fertilization is external development may be in uh, indirect blenogocus uh, cycloglocus is an example chordata chordata refers to the group of the animals which poses the notochord either throughout or during the early embryonic life animals without notochord refers to the non chordates non chordate is very stiff flexible rod like tissue lying in the ventral nerve cord

Vertebra column in adult, all vertebra are chordata but all chordata are not vertebra. Beside the basic chordate character, the vertebra have a ventral muscular heart. Uh, kidney is a, for the excretion. Osmoregulation is pair of appendix which may be the fins and limbs. ये e, देख uh, सकते हैं, Agnatha और Ganthostomata class Cyclostomata, Pisces, Tetrapoda Pisces में contextual इधर से ट्रेटोफोटम, Amphibian, Reptiles, Apes and mammals. क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में अगर बात करें तो ऑल लिविंग मेंबर्स क्लास साइक्लोस्टोमेटा साइक्लो एस्टोमेटा आर पैरसाइड एंड समाइलो एस्टोमेटा हैवोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 टू 14 पेयर ऑफ गिल्स हैविंग द गिल्स पाउच रेस्पिरेटरी एंड कंटेनिंग द सकलिंग एंड सर्कुलर पाथ दे आर द बॉडी इज दॉडी द स्केल पेयर ऑफ फिल्स द सिंगल डॉर्सल नॉस्ट्रिल लीड टू द क्लोज नैजल सेक क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम आर कार्टिलेजी सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर द फ्रेश वाटर वहाँ पे वो अंडा देती हैं और फिर आ, मरीन में आके मर जाती हैं फिर उनके बच्चे होते हैं फ्रेश वाटर में होते हैं उनको रिलाइज होता है कि अरे हम तो यहाँ के नहीं हैं फिर वो समुद्र में चले जाते हैं द लारवा आफ्टर मेटामोस रिटर्न समुंदर फिर, तरु, फिर इसका एग्जाम्पल है contact size class contact thighs all marine fishes cartilaginous fishes cartilaginous endoskeletal bodies is streamlined. They have a five pair of gill slits without any gills cover that is called operculum. gill slit may be either the lateral side of the head and ventral side of the head. skin is very tough containing the minute placoid scale which is feature teeth are modified into the placoid scales uh, which is backward directed jaw is very powerful animals are predator और इसमें एयर ब्लेडर नहीं होता है इसलिए इसे कंटिन्यू स्विमिंग की जरूरत पड़ती है नहीं तो ये डूब जाएंगे हार्ट इज टू चैम्बो वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल्स एंड दे हैव कोल्ड ब्लड एंड लेक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते सेपरेट होते हैं इंडियन फेडरेशन इंटरफर्टाइशन टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रेज इससे क्वेश्चन आया हुआ है दे द इलेक्ट्रिक करेंट मॉडिफाई द मस्कुलेसर बिटवीन आई एंड हेड तो किसी को इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं और अपने प्रे को पैरालाइज कर सकते हैं ट्राइगोन, द स्टिंगिंग पॉज द पॉइजनस इनके आ, आ, मतलब कि स्टिंग के अंदर पॉइजनस होते हैं तो कोई इनको खाने आता है तो पॉइजन सिक्रीट कर देते हैं और मर जाता है और या बेहोश हो जाता है वस्कोलेडियन डॉगफिश, स्काइलम शार्क टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रेट ट्राइगोन स्टिंग रेज सारे एग्जाम्पल हैं नाउ ऑस्टिक दे इंक्लूड बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर Uh, the body is the endoskeleton. body is the streamlined mostly uh, mouth is terminal the large variety of shape and sizes demonstrated the bony fish common india calf is fresh water which is used as a food cattle rohu marigold kalbas is example hai. marine fish is used to food for the pomfret, bombay ducks, Indian salmon in the flying fish exoscales the pectoral fins are largely modified to use the gliding of the several meter in a ear

फ्लाइंग फिश इस सारे इसके एग्जाम्पल है सी ऑर्स सकरजाम्पल है ना वी हैव एम्फीविया एम्फी का मतलब बहुत ये लैंड और वॉटर दोनों पे रहते हैं तो नेमंडेट मोस्ट ऑफ द एम्फीविया देव टू फेजेज ऑफ लाइफ वन इज लारवाज दैट इज टेड फोल्ड विच इज प्रजेंट इन वाटर आफ्टर द मेटामोफोसम अडल्ट एंड दे लीव ऑन द लैंड तो टेड फोल्ड फिश लाइक स्विमिंग इन वाटर यूजिंग तील आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ लारवा स्टेज द मेटामोफोसिसर दे बिकम अडल्ट एडल्ट आर मोफोलॉजिकली डिफरेंट इन टू द पोल्ट एडल्ट क्योंकि एडल्ट में टेल नहीं होता है uh, लारवा में टेल होता है एडल्ट लीव ऑन द लैंड द ब्रीडिंग दे रिक्वायर वॉटर इन्वायरमेंटल बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एज एम फीवियन थ्रू द जनरल्टेड टू द लाइफ ऑन द लैंड दे हैव नियर द वॉटर एंड कंप्लीट देर लाइफ साइकिल द बॉडी इज डिडेड टू द हेड एंड स्ट्रॉग देर इज नो नेक नेक नहीं होता है एम फीवियन स्किन इन द मोस्ट एंड द नेक विदाउट

हार्ट तीन चैम्बर होते हैं दो ऑरिकल एक वेंट्रिकल, कोल्ड ब्लडेड एक्सटर्नल इन डायरेक्ट एग्जाम्पल है नाव रेपाइला द नीम रेप्टलिंग मतलब क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं इसके अंदर दे आर क्रीपिंग क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन ऑफ रेप्टल इज कवर विद्राई कॉर्निफाइड स्किन स्केल दे है दे कैन वॉक विद द पेयर ऑफ लिम्स एबसेंट इन स्नेक स्नैक में नहीं होता है और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं पॉकलीओ थर्मल होते हैं दे डो नॉट हैव द एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग टेफेनम जो होता है वो ईयर की तरह रिप्रेजेंट करता है तीन चंबर होते हैं दो ऑरिकल एक वेंटिकल एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल फोर चम्बर हार्ट मोस्ट प्रजेंट दे रेप्टर कार्निवरस और इन्सेक्टिवोरस स्नेक्स एंड लिज हार्ट शेडेड देअर स्केल इन द स्किन कास्ट द टू फीचर आर मेक रेप्टल ट्रूली लैंड development is internal or presence of a spatial membrane amnion around the developing embryo reptile are pocliothermal sexes are separate fertilization is indirect Oviparous. development is direct example is total or is our example karet viper is our example hai. now we have a ave uh, their characteristic feature are presence of feather and flower uh, power of flight they have a very uh, Few birds, which is have either wholly or partially lost the ability to fly, emo ostrich, casseri. Uh, birds have a reptilian ancestry. Birds possess the scale on the hind limb. Uh, their egg is resembled to the reptile egg, generally designed for the calcareous shells. Four limb birds are modified into the wings. Hind limb are modified the walking, swimming, and casping their uh, tree branches. Presence of all. Glands at the base of tail, and they have uh, no other glands on the skin. Uh, endoskeleton is fully ossified bone, and the long bone are hollow with air uh, cavity that is called pneumatic. Uh, digestive tract of birds has an additional chamber which is croup and gizzard. Heart is completely four chamber. They are the uh, and the warm blooded, homeothermal animals. They have able to maintain the constant body temperature. Respiration with the help of lungs. बर्ड्स के पास दांत नहीं होता है वीक इज फीडिंग फॉर द मेनी वेड क्रशिंगल देवी डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट क्रॉप पीजन पैरट ऑस्ट्रेस पी कॉक पेंगन वल्चर ईगल्स ये सारे एग्जाम्पल हैं मैम दे है And uh, they they thrive on a variety of environment. Uh, Polar ice cap, desert, oceans. Most of the unique mammals characteristics is milk producing mammary glands with the help of uh, young ones nourish. Skin of the mammal is very unique, possessing the hair. External ear is spinna, collecting the sound in different directions. They have a thecodont that which is under embedded. Heterodont, they have a different type of dentation. होते हैं ठीक है ये सारे एग्जाम्पल हैं थैंक सो मच